बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता ने बंगाल और कर्नाटक को लेकर पार्टी की राय रखी और मौजूदा राज्य सरकारों से सवाल पूछा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि न्यायालय ने उन्हें आरोपी नंबर वन घोषित किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर आरोप है कि उनके परिवार ने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर संपत्ति बनाई है। द्विवेदी ने कहा कि इसकी जांच किसी केंद्रीय जांच एजेंसी ने नहीं की है, बल्कि ये जांच कर्नाटक के लोकायुक्त के आदेश पर हुई है। द्विवेदी ने कहा कि मैं राहुल और सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूँ, आप भ्रष्टाचार के आरोपी नंबर वन के साथ खड़े हैं या नहीं? इसमें केंद्र की किसी एजेंसी का कोई रोल नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक से आते हैं। जब से वहां इनकी सरकार आई है तब से वहां भ्रष्टाचार और अव्यवस्था चरम पर है। यह दुर्लभ मामलों में से एक है जहां सिटिंग मुख्यमंत्री को आरोपी नंबर वन बनाया हो। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के चेहरे को एकदम साफ कर रहा है। हरियाणा का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा के कांग्रेस नेता तो साफ कहते हुए दिख रहे हैं, पहले अपना घर भरेंगे फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे, जो हरियाणा का उम्मीदवार कह रहा है। वही कर्नाटक का मुख्यमंत्री कर रहा है। आपकी सरकार के समय सिर्फ एक परिवार के दामाद का नाम आता था, लेकिन अब तो सब अपने अपने दामादों के बारे में सोचने और करने लगे हैं। यह कांग्रेस की भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति का स्पष्ट प्रमाण है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी ने कोलकाता हाईकोर्ट के हालिया फैसले पर चिंता व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि राज्य में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि सरकार उनकी बंधक बन गई है। उन्होंने सिटिंग IAS अधिकारी की पत्नी के साथ रेप की घटना का भी जिक्र किया। आरोप लगाया कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। हेमंत सोरेन के डेमोग्राफिक वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए, कभी कभी आप कहें या ना कहें, बात जुबा पर आ ही जाती है। डेमोग्राफिक चेंज पर ही एक सवालिया निशान बयान है। हेमंत सोरेन का बयान राहुल और ममता बनर्जी के लिए आईना है। राम मंदिर के मामले में द्विवेदी ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने राम जन्मभूमि का अपमान किया है और ये दिखाता है कि उनके मानसिकता आतंक का समर्थन करने वाली है। राहुल पर हमला करते हुए कहा कि तीन बार राम जन्मभूमि का अपमान किया है आपने, मंदिर की आमंत्रण ठुकराया है आपने, उसको लेकर बयान जारी किया, उसमें निंदनीय ढंग से नाच गाने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। आपकी तो तीन पीढ़ी बराबर की कब्र पर सजदा करते नजर आए हैं, आप तीन तीन बार राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं।